नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालफिया। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियां। उज्जैन के हासामपुरा के जैन मंदिर में चोरी हो गई। दरवाजे का क्लिप तोड़कर चोर मुकुट, तिजोरी व छत्र चुरा ले गए। उज्जैन के हासामपुरा स्थित जैन मंदिर में बीती रात 1 से 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने दरवाजे की क्लिप खोलकर मंदिर में प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चिंतामन थाना पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। राजेंद्र सूरी दादावाड़ी जैन मंदिर हासामपुरा के पुजारी पवन चौहान ने बताया कि रात 8:30 बजे मंदिर बंद किया गया था। मंदिर का चौकीदार घर पर सोया था। उसके दो बेटे दिलीप और दीपक मंदिर में थे। सुबह पुजारी चौहान 5:30 बजे मंदिर खोलने पहुंचा तो दो दरवाजों पर ताले लगे मिले, जबकि एक दरवाजे की क्लिप टूटी थी और दरवाजा खुला था। पुजारी के अनुसार रात 1 से 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने मंदिर में प्रवेश किया और यहां से दान पेटी, मुकुट, आरती भंडार, छत्र आदि सामान चोरी कर ले गए। इसकी सूचना मंदिर के व्यवस्थापकों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की और पुजारी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। पुजारी पवन चौहान ने बताया कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन पिछले 5 माह से उक्त कैमरे बंद हैं। इस कारण वारदात करने वालों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। दान पेटी पिछले 1 वर्ष से नहीं खोली गई थी। चौहान के अनुसार दान पेटी पूर्णिमा अथवा खास अवसर पर ही खोली जाती है। उसमें कितनी राशि होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं है। चिंतावन थाना पुलिस ने सुबह मंदिर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास तलाश किया तो मंदिर से 4 खेत दूर दान पेटी पड़ी मिली, जबकि परिसर के आसपास कुछ किताबें व अन्य सामान भी पड़ा मिला। चोर सिर्फ कीमती सामान व दान पेटी की राशि चुरा कर ले गए, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू की है। बीती रात एक जैन मंदिर है जो हासमपुरा गाँव के पास स्थित है और थाना चिंतावन के अंतर्गत आता है। इसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसमें कुछ जो दान पेटी होती है, दान पेटी और छत्र वगैरह चुराए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक नकबजनी हाउस ब्रेकिंग का मामला दर्ज किया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध, और जो उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है कि कौन कौन लोग वहां आते जाते थे, इन सभी बिंदुओं पर पतासाजी जारी है। हाँ, दान पेटी जो उठा के ले गए थे वो भी मिली है, थोड़े दूर एक खेत में मिली है। पुलिस अभी सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है कि ये लोग कहाँ से आए हैं, किसका क्या आना जाना था, इन सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। शीघ्र ही इस मामले का खुलासा भी होगा।